स्वयं स्वार साहब, क्या हो रहा है आज? हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर, एक क्लास टेंथ का टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, आपको नाम से क्लियर होगा, ब्लीचिंग पाउडर मतलब वॉश करने के काम आता है। इसका केमिकल नेम क्या है, कई बार पूछा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सो दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर इट। सो वी हैव प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद Cl2, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद Cl2 फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड H2O। व्हाट इज द यूज, इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, वुड पल्प, क्लॉथ एक्सेट्रा। ऑक्सीडाइजिंग, बीइंग ऑक्सीडाइजिंग, इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड टू किल जर्म्स, वाटर के जर्म्स को किल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हाँ, एक से ध्यान रखना है, इसका PDF मैं लास्ट में जरूर ऐड करूंगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर बेटा, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, व्हाट इज दिस केमिकल नेम, बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, एंड दिस इज द नेम, ओके। हाउ टू प्रिपेयर, हियर ब्रायन सॉल्यूशन रिएक्ट विद NH3 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज नोन एज बेकिंग सोडा। व्हेन इट इज बीइंग हीटेड, व्हेन बेकिंग सोडा इज बीइंग हीटेड, इट डीकंपोजेस इनटू Na2CO3, CO2 एंड H2O। इसमें किसमें डीकम्पोज हो रहा है? Na2CO3, CO2 एंड H2O में डीकम्पोज हो जा रहा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, जो है ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं बेटा, वाशिंग सोडा। ऐसे थोड़ा सा आप ध्यान रखो, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, वाशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर, इसको हम लोग बेकिंग पाउडर बना रहे हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, आपका बेकिंग सोडा जो आपको एडिबल एसिड हो जाए, जैसे आपका टार्टरिक एसिड हो जाए, एडिबल एसिड, जैसे हमने क्या लिखा, टार्टरिक एसिड, मतलब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड इज नोन एज बेकिंग पाउडर, इसको खाने में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे, जब ये एसिड, कोई एसिड होता है उसके साथ अगर ये रिएक्ट करता तो क्या बनता है, NaCO3 प्लस एसिड, एसिड पोर्शन अटैच हो गया, क्या बनाता है, CO2, H2O एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, जो इसको हम लोग मिक्स करेंगे, और इसी सब का यूज जो केक आदि बनाने में किया जाता है, जो केक बनाए जाते हैं, या केक हो गए, या आपका ब्रेड हो गया, या आपका क्रिस्पी चीज़ें बनाने के लिए, पकौड़े हमारे घर पे बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग इसको हीट करते हैं, देखो इसको हीट कर रहे हैं ना, तो ये CO2 निकल रहा है, यही गैस क्या होता है, जो हमें क्रिस्पी प्रोवाइड करता है, इसी गैस के फिल हो जाने के कारण हमें जो है फूड आइटम्स क्या लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, आप जानते हैं एंटासिड के बारे में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो अपलोड किया, उसमें जाके आप देख लो एंटासिड क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड मतलब जो एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं, ध्यान रखना है। द एसिड, द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इज नोन एज एंटासिड। जैसे स्टमक में जो हमारे पास एसिडिटी होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, तो वो भी एक आपका एंड एसिड, ठीक है, इस चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड बीइंग अल्कलाइन, ये क्या होता है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है, उसके कारण क्या होती है, एंटासिड का काम करता है, क्योंकि जो एसिड होता है वो एसिड इंजेक्ट होता है, तो एंटासिड उसको क्या करता है, अपना जो है न्यूट्रलाइज करता है, ये एसिड होता है और बेस होता है, आपको मालूम है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर, उसके बाद क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, ये चीज हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो फायरिंग सॉल्यूशन होता है, यहाँ हमने क्या दिया रखा है, यहाँ पे जो हीट क्या आता है, CO2 ये प्रोड्यूस होता है, तो फायरिंग सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे फायर हो रही है, ऐसे मान लीजिए कोई चीज जल रहा है, यहाँ पे ये कोई चीज जल रहा था, क्या होता है जब हम लोग इसको जो उसका नोज होता है उसको ऐसे क्रैक करते हैं तो इग्नाइट पोर्शन होता है, उससे क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, और ये क्या करता है, CO2 से चारों तरफ क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, जिससे इसका O2 का सप्लाई क्या कर देता है, कट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ये आपका बेकिंग सोडा हो गया, तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है, ये चीज बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस याद रखिएगा, कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा
प्लस एडिबल एसिड अगर हम लोग मिलाते हैं तो उसे बेकिंग पाउडर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट क्रिस्पी चीज जैसे हमारे घरों में कोई चीज है उसको जल्दी मेल्ट कराने के लिए भी बेकिंग सोडा को यूज यहाँ पे किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का बहुत सारा यूज है, जैसे होटल्स आदि में सब कोई चीज मेल्ट नहीं होता है तो उसमें हम लोग मिला देते हैं, तो क्या करता है मेल्ट करने में हेल्प कर देता है। ठीक है,